तो ये अष्टपाद तीर्थ आएगा। पर बाहर हमने जूस वाले से पूछा, तो ये लॉकडाउन से 2 महीने से बंद है ये। अब क्यों बंद है ये तो पता नहीं, जूस वाले ने बताया हमें। हैं? अच्छा यहाँ करोना है और कहीं करोना नहीं है, तू भी बेवकूफी वाली बात करेगा। ये पांडेश्वर मंदिर आएगा, पांडवों के टाइम का मंदिर है ये। अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को सब चीज। तो ये जो पेड़ आएगा ये भीम ने लगाया था। कुएं में कभी पानी डाला नहीं, तो जाल लगा रखा हमने, तो सुहाव में तो धो रखा है, सारे लोग भी सुहाव में। ओ ये है पानी है तो मैं खत्म हो गया, सब पानी है। कोई पानी का साफ बहुत ठंडा है, रुक जा मैं मुंह साफ कर लूं। तो ये कुआं आएगा, कहते हैं कि यहाँ पांडव जो है स्नान करने के बाद अंदर शिवलिंग में जाके वहाँ शिवलिंग की पूजा वगैरह करते थे। आइए अंदर चलते हैं। की बैक साइड आएगी, बैक साइड से एक ये पुराने टाइम की गुफा जा रही है। मुझे लगता है तो ये गुफा आएगी, अंदर जाके देखें। चल अंदर चल। तो पूरी बंद है, एक ही चीज है बस, कुछ नहीं बंद है। तो अब तो पूरी बंद है ये, निकल कर नहीं आता। कल से पूछा है, ये जो सामने गुफा है ये 4-5 जगह पे जाती थी। कहाँ का बताया? तो कुशेत्तर बताया हमें और एक लाक्षाग्रह बताया, एक दो जगह और बताई। यहाँ जो पांडेश्वर मंदिर था ये, यहाँ पे ही पहले पांडवों का किला भी था, बट अब तो एक आध दीवार एक दो साल पहले बची थी, वो भी अब ढह गई है। अब सब चीजें खत्म करते जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगली लोकेशन जा रहे हैं भाई धर्म सिंह के गुरुद्वारे पे। तो वो जो गुरुद्वारा है वो पंच प्यारों में से एक जो थे उनका बना हुआ गुरुद्वारा है वो। जंगलों में है तो शुगर है, धूप नहीं है। जो बच गए, हाँ जो बच गए भाई, अपने अपने सनस्क्रीन लेके आए। किसे भी आना हो बाइक से सनस्क्रीन लगा कर, तो यहाँ से ज्यादा अलग हो जाओगे तुम कलर से। शायद धूप नहीं है तो बच गया जान थोड़ी सी। कहाँ कहाँ से जाएंगे हम, रास्ता भी खत्म है भी। ये नहीं रास्ता, ये गुरुद्वारे का रास्ता जी, एक निकल जाएगा।
सड़क थोड़ी है यहाँ पे, ये तो बनाई भी है। मिट्टे ले लद्दाख की प्रैक्टिस हो रही तेरी है। इतनी तो वहाँ से बोलेगी कितनी यहाँ लगे ऑफ रोडिंग। हाँ तो सड़कें बना दिया ये कर दुआ रहे सिद्धा ही। ठीक है जी, धन्यवाद आप बहुत आपका। मेरा फोन नहीं पता मुझे अभी तक का है, फील हो रहा बस जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में, और जिसको पंजाबी आती है पंजाबी में पढ़ लो। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो पंच प्यारे बनाए थे उनमें से जो धर्म सिंह जी थे उनका ये जन्म स्थल है। जगह का नाम है साहेबपुर और वहाँ पे ये उनके नाम का गुरुद्वारा बना हुआ है। तो ये गुरुद्वारा आएगा। आज हम गए हैं, उनका जो लिंक है लोकेशन का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस जिसको आना हो वो आ सकता है। चल भाई मिलते हैं। ओके डार्लिंग। ठीक है तो घर पर आ गए हैं, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब जाके नहाते धोते हैं फिर आराम करते हैं क्योंकि आज के दिन तो छुट्टी है, दुकान वुकान तो जाना नहीं है मेरे को। हाँ जी, तो शाम के बज रहे हैं 6, सो के अभी उठे थे तो बहन का फ़ोन आया, कहती है पार्क में चलते हैं बच्चों को घुमाने के लिए। मैंने चलो ठीक है, आज तो ट्यूजडे निकल सकते हैं तो अब चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पर। बहन सरगुन को लेके जाना नहीं? हाय बोलो मामू को। ये मैडम पार्क में जा रहे हो, तैयार शैयार हो गए? हाँ, पार्क में जा रहे हैं हम, तैयार होके जाते। जितनी भीड़ है ना यहाँ हालत बुरी है। चढ़ के ये ऊपर चढ़ के बैठ गए, ये उतरने का कोई सा चल भाई तेरा मेकअप उतर जाएगा, रहने पसीने साफ मत कर। कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ फुल भीड़ है, एंजॉय कर रहे। तो ये गांधी वाटिका आएगा, भीड़ देखो उस साइड, वो तो आइसक्रीम खाने गए हैं बच्चे और हम यहाँ बैठे हैं शांति में। जाओ घूमो, जाओ बाय, जाओ गुनगुन भाई। अभी उठाना ही पड़ेगा तेरे को गुनगुन। गहराई देख ली। आ जाओ आ जाओ, नहीं आया जा रहा खारी है ये। ओए शर्म नहीं आ रही तेरे को बर्फ का गोला खाते हुए? तो घर पर आ गए हैं, घर पे आते ही सरगुन ने वीडियो कॉल कर दी बाबू। हेलो हेलो, नानू को राम राम कर दो, राम राम कर दो नानू को। घर पे आते ही बैठे ही थे और छोटे डोन का हमारे आगे कॉल।
हमारे से कहता भाई घुमा के ला आज, पर छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं है हमारी। मेरा भाई छोटा डॉन भैया काम धंधे हमारे, थोड़ा बहुत पैसा आएगा तभी तो काम चलेगा। मैं अच्छा अच्छा चल 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 जल्दी चल। कहाँ चलना बता दो तुम, मजाक सेट के कहाँ चलना है, वैसे ही घूमने क्या? चल यार मंगल है, ये हमारे प्रिय मित्र दूल्हे राजा। चीयर्स भाई साहब, भाई हो तो ऐसा आते ही रेड वाइन। छोटे डोन साहब, ये सूफी बंद है, ओम फोर। ये मंडी की गलियों में लोंडे हांडते हुए, हांडना मतलब घूमना, ये हमारे मुजफ्फरनगर की भाषा है। चलो शुरू करते हैं। लिंग भाई जवाब तो दे दे।